माय नेम इज मौसमी दास, वेलकम टू स्टडी विज़ार्ड्स। बच्चों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 1.4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन अ नंबर 9। बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन का यूज करके हम रूट 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इस रिजल्ट को प्रूफ कैसे करेंगे वो भी देखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले कंस्ट्रक्शन पार्ट के साथ। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पहले बच्चों हम एक बार रफ में फटाफट से स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें यूज करना है इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टेप्स तो आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले बच्चों आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट ए मार्क कर देंगे। ठीक, अब इस ए पॉइंट से 9.3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो यहाँ जो नंबर रहता है बच्चों उतनी ही डिस्टेंस पे हम एक और पॉइंट मार्क करते हैं। लेट सपोज दिस इज बी, तो यहाँ ए बी की डिस्टेंस 9.3 है क्योंकि हमें रूट 9.3 को लोकेट करना है। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बी पॉइंट से एक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लेते हैं। लेट सपोज दिस इज सी, तो बी सी की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। ये बहुत जरूरी स्टेप है बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इस ए सी लाइन सेगमेंट के ऊपर। देखो इस ए सी लाइन सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि हमें ए सी को डायामीटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक, तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड टू हैव अ सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इस लाइन सेगमेंट का हमें सेंटर चाहिए होगा, तभी तो रेडियस मिलेगा और हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम ए पॉइंट पे अपने राउंडर को रख के क्या करते हैं, 9 बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ऊपर एक कट नीचे एक कट, फिर सी पॉइंट पे सेम मेजरमेंट के साथ ऊपर एक कट और नीचे एक कट करते हैं और ज्वाइन कर देते हैं इस 9 सेगमेंट को। ठीक, कुछ इस तरह से। अब ये जब लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो पॉइंट मिलता है यही हमारा क्या होता है, 9 बाइसेक्टर, है ना, सेंटर ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसे हम ले लेंगे O और ओ सी को रेडियस लेके हम ड्रॉ कर देंगे क्या, एक सेमी सर्कल, कुछ इस तरह से। ये रफ डायग्राम है तो डोंट लाफ, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो परपेंडिकुलर और ये सेमी सर्कल जिस पॉइंट पे मीट होंगे बच्चों, यही पॉइंट हमारा क्या होगा, बी पॉइंट से इस पॉइंट की ही डिस्टेंस हमारी रूट 9.3 होगी। इसे हम प्रूव करके भी देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये हमें अब नंबर लाइन में लाना होगा, तो सिंपली इसको आर्क ड्रॉ करके हम नंबर लाइन के ऊपर ले आए। तो कुछ इस तरह से हमें स्टेप्स फॉलो करना है इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, इसलिए मैंने आपको फटाफट से बता दिया क्योंकि स्टेप्स याद रखना बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करेंगे अब अपना कंस्ट्रक्शन करना। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया एक लाइन सेगमेंट। लेट्स चेंज द कलर, है ना, ब्लू कलर। ये हमने ड्रॉ कर दिया एक लाइन सेगमेंट। ठीक, अब इस लाइन के ऊपर हमें मार्क करना है क्या, ए पॉइंट, तो ये मैंने मार्क कर दिया ए पॉइंट को। अब 9.3 डिस्टेंस अवे हमें बी पॉइंट मार्क करना है, तो ये रहा 9, 1, 2, 3, कुछ इस प्लेस पे हमारा 9.3 आएगा, है ना। तो यहाँ मार्क कर दिया हमने बी पॉइंट को, ये पॉइंट हमने बी ले लिया। अब जैसे कि मैंने बोला बी से सी पॉइंट बनाना है हमें 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो यहाँ से बी से हमने 1 सेंटीमीटर मेजर किया और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया सी पॉइंट को, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाना है, सी पॉइंट। अब ए सी को डायामीटर लेके हमें क्या करना है, एक सेंटर ऑफ द लाइन सेगमेंट लेना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। तो यहाँ हम ए पे इस राउंडर को प्लेस करेंगे, थोड़ा सा हाफ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आपको मालूम ही होगा, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से ए पॉइंट पे हमने राउंडर को प्लेस किया, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से, और अब नीचे की तरफ भी हमको ये सेम ऐसे ही आर्क ड्रॉ करना है, तो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब सी पॉइंट पे लेके आ जाते हैं इस राउंडर को, राउंडर को सी पॉइंट पे रख के यहाँ ऊपर की तरफ अगेन एक आर्क ड्रॉ करना है हमें, ये कुछ इस तरह से, नीचे भी एक आर्क ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से नीचे भी आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर देना है, तो लेट्स ज्वाइन इट। इसको हम ले लेते हैं स्केल को अपने और इसे कर देते हैं ज्वाइन, यहाँ से ये मैंने प्लेस किया स्केल को और कर दिया मैंने ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन, थोड़ा सा इधर आएगा ना, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट ज्वाइन। अब हमें क्या करना है, ये हमें मिल गया क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये ओसी को रेडियस लेके हमें क्या ड्रॉ करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलो अब फटाफट से ओ के ऊपर प्लेस करेंगे, ओसी को रेडियस लो आप चाहे ओए को रेडियस लो, दोनों तो सेम ही होगा, है ना, दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे अपने राउंडर को ओ पॉइंट पे, ये प्लेस कर दिया ओ पॉइंट पे, और
डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ओ ए की, तो ओ ए की डिस्टेंस मेजर की हमने और यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके, अब ये जो पॉइंट हमें मिला ये हमारा सी पॉइंट है। ओके, यहाँ से अब हमें क्या करना है, बी मैंने आपको बताया था, बी से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ले लेते हैं हमारे प्रोटेक्टर को, आप राउंडर का यूज करके भी 90 डिग्री मार्क कर सकते हैं और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हमने मार्क कर लिया और ले आते हैं अपने स्केल को और से हम ड्रॉ कर देते हैं बी से लेकर पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट हमें मिला पी पॉइंट मार्क कर देंगे इसे यदि हम, तो यही पी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बी पी। ये पी पॉइंट हमारा बी से कितनी डिस्टेंस पे है, रूट 9.3 की डिस्टेंस पे है, रूट 9.3 की डिस्टेंस। अब ये तो हमें बी पी की डिस्टेंस रूट 9.3 मिल गई, लेकिन इसे तो हमें लाना है कहाँ, नंबर लाइन के ऊपर। तो हम राउंडर को बी पॉइंट पे प्लेस करेंगे और बी पी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये मेजर कर लिया हमने बीपी पॉइंट और इसे आर्क की हेल्प से सेम डिस्टेंस हम ले आएंगे कहाँ पे, अपने नंबर लाइन के ऊपर। ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है इसे यदि मैंने क्यू से डिनोट कर दिया तो आपका जो बी क्यू का डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा रूट 9.3। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट रिप्रेजेंटिंग रूट 9.3 और नंबर लाइन। अब चलो देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं इस रिजल्ट का प्रूफ। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि रूट वाले किसी भी नंबर को हमें जब नंबर लाइन में डिनोट करना रहता है तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे भी हमें इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। उसके लिए फटाफट से हम ले लेते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट पी वी है ये हमारा क्या है, रूट 9.3। अब यहाँ पे हम नंबर्स के टर्म्स में इसको प्रूफ नहीं करेंगे बच्चों, हम 9.3 को x लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं 9.3 को x, लेट x इज इक्वल टू 9.3। बच्चों यहाँ पे आपको रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करने को बोला गया है, हमने ए बी की डिस्टेंस जो है वो 9.3 ली थी। यदि आपको अंडर रूट में कोई भी दूसरा नंबर दे दिया जाता है, लेट सपोज 3.6, तो आपको ए बी की डिस्टेंस क्या ले लेनी है, 3.6 लेनी है। तो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन पार्ट सेम ही रहेगा, इसीलिए हम जनरल वे में नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं और हम प्रूफ एक्स के टर्म्स में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है तो वी नीड टू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, और जरूरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये पी भी जो है वो परपेंडिकुलर हो, है ना, तभी तो उसमें हम राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और प्रूफ करेंगे अपना। तो पी बी और ओ बी को लेके देखो, यदि हमने ओ पी को ज्वाइन कर दिया तो विल गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर ओ पी इज हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। अब इन सब की हमें वैल्यूज चाहिए इन ऑर्डर टू यूज देम इन पाइथागोरस थ्योरम। तो पी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो लेट इट बी असाइड, लेकिन हमें ओपी की वैल्यू चाहिए और ओ बी की भी वैल्यू चाहिए, है ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हमने ए बी की डिस्टेंस को एक्स सेलेक्ट कर लिया है, तो इंस्टेड ऑफ 3.9 ये क्या हो गया, ए बी की डिस्टेंस क्या हो गई, एक्स हो गई, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एक्स। अब ए बी की वैल्यू तो हमें काम में आने नहीं वाली, हमें चाहिए कौन सी डिस्टेंस, ओ सी, या ध्यान से देखो ओ सी, ओ पी और ओ ए, ये तीनों रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, है ना। तो ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यदि हमें ओ सी की वैल्यू मिल गई तो हम इजिली उसे ओ पी की वैल्यू से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ओ सी इज इक्वल टू ओ पी होना है, दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल है। तो इस चीज को हम फटाफट से लिख लेते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। आप ध्यान से देखो, ये इस तरह से बंद कर देते हैं। अब हमें OC की वैल्यू डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं, लेकिन हमारे पास AC की वैल्यू आ सकती है। AC जो है वो हमारा डायामीटर है, है ना, ये होता, ये है हमारा डायामीटर। देखो सेमी सर्कल का पूरा डायामीटर क्या है, A से लेकर C तक की डिस्टेंस। तो AC की वैल्यू x प्लस, ये देखो BC की वैल्यू हमारी क्या है, 1। तो AC की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 1। तो हम लिख देते हैं AC डायामीटर जो है उसकी वैल्यू हो गई हमारे पास x प्लस 1। और यदि डायामीटर x प्लस 1 है, रेडियस उसका हाफ होता है, तो इट मीन्स OP जो कि इक्वल है OC के, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x प्लस 1/2। तो देखो हमें मिल गई हमारे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, OB की वैल्यू निकालनी है। तो हम OB की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमने यदि OC में से, OC हमारे पास है
उसी में से आप बीसी को माइनस कर दोगे तो आपको ओबी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ओसी में से हम माइनस कर देते हैं पीसी को, तो हमें मिल जाएगा ओबी। तो यहाँ मैंने लिख दिया ओसी माइनस बीसी, तो दिस इंप्लाइज ओसी की वैल्यू हमें ऊपर मिल चुकी है एक्स प्लस वन अपॉन टू, है ना। इसमें से हमें वन माइनस करना है, तो ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये टू मल्टीप्लाई होगा वन से, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन टू। तो यहाँ से हमें मिल गई हमारी ओबी की भी वैल्यू, क्या मिल जाएगी, वन माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस वन, है ना। तो एक्स माइनस वन हो जाएगा अपॉन में टू हो जाएगा। तो हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी है, अब हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, ओ बी पी, ओ बी पी बाय पी टी एच लिख दिया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम का शॉर्टकट। यहाँ होता है क्या, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, या परपेंडिकुलर पहले लिखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाइपोटेन्यूस हमारा ओपी है, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा पी बी है, तो पी बी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा ओ बी है। ट्राइंगल ध्यान से देखना, ओसी मत ले लेना, ओ बी है हमारा बेस, है ना, उस ट्राइंगल का। तो ओ बी लिख दिया मैंने और ओ बी का स्क्वायर। अब हमें पी बी की तो वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे छोड़ते हैं इसी तरफ और ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर कर देते हैं, है ना, क्योंकि पी बी की तो हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी है यहाँ पे, ओ पी स्क्वायर पहले, और ओ बी क्योंकि ट्रांसपोज होके यहाँ से देखो ओ बी जो है ट्रांसपोज होके जा रहा है दूसरी तरफ, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस ओ बी स्क्वायर, कुछ नहीं मैंने स्विच करके लिख दिया। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ तो जगह बची नहीं है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारा हो गया पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस है बीच में तो माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते, तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दिया मैंने। ओके, यहाँ टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा, यहाँ पे भी टू टू जा फोर हो जाएगा। ओके, अब एलसीएम तो हमारा सेम ही है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो वन टाइम लिख देते हैं, ऊपर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिखते हैं। अब टू ए बी को आगे भी लिख सकते हो, और यदि यहाँ माइनस होता है तो टू ए बी के आगे माइनस लग जाता है ना, तो यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस, इसे अभी ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि माइनस बहुत खतरनाक चीज है, सारे साइन चेंज कर देती है, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में रखते हैं, बाद में हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी, टू एक्स इंटू वन तो वन ही रहेगा, वन इंटू टू एक्स विल बी टू एक्स ही हो जाएगा, तो ये टू एक्स, अब यहाँ पे प्लस वन का स्क्वायर विल बी वन होगी, है ना। तो ये आ गया हमारा सॉल्व करके, अब देखो सारे साइन देखना चेंज होना है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ब्रैकेट में रखने को बोला। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, यहाँ साइन सारे चेंज होके माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन माइनस में है तो थोड़ा सा अच्छे से बना देते, ये साइन माइनस में है तो ये हो जाएगा चेंज होके प्लस टू एक्स, है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन अगेन माइनस प्लस माइनस वन, और अपॉन में हमारा फोर चल रहा है। तो यहाँ देखो कौन कौन सी चीजें कट गई, उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल, फिर हमारा माइनस वन और प्लस वन कैंसिल, है ना। तो बचा क्या हमारा यहाँ पे, अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा बचा टू एक्स प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा फोर एक्स अपॉन में फोर। तो यहाँ देखो फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया, ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, पी बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे यदि पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो पी बी की वैल्यू क्या होगी, पी बी की वैल्यू रूट एक्स होगी। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रूव आल्सो। और टेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया है वैसा वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया है। ड्रॉ लाइन एंड मार्क ए बी इज इक्वल टू 9.3 यूनिट ऑन इट, हमने एक लाइन ड्रॉ की उसमें ए बी मार्क किया था 9.3 यूनिट, उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके सी पॉइंट मार्क किया था, फ्रॉम बी मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंड मार्क अ पॉइंट सी ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए सी सो एज टू गेट द मिड पॉइंट ओ, उसके बाद हमने ए सी का क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर नीचे आर्क कट करके, फिर विथ ओ एज द सेंटर एंड ओ सी एज रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल, फिर हमने सेमी सर्कल को ड्रॉ किया और बी पॉइंट से अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था, राइट। फिर उस परपेंडिकुलर ने जहां सेमी सर्कल को मीट किया उस पॉइंट को हमने बी अज्यूम किया था, और वही हमारी जो लेंथ होगी बी और पी की, वही हमारी क्या हो जाएगी, रूट 9.3, जिसे हमने आपकी हेल्प से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया था।
रिप्रेजेंट कर दिया। ओके तो कुछ इस तरह से आपको करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम, आज के वीडियो में हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि इट वाज अ बिट लेंथी क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।